जय श्रीमन नारायणा। जो टिप्पणी हुण मैं देन जा रहा हाँ उसनू लिखन वाले हन रामानुज दसा श्रीमान गट्टू वेणु गोपाला स्वामी। अध्याय 4 जनन योगा श्लोक क्रम 28। द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः योग यज्ञाः तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन दे नाल नाल सानू सारयां नू जनन योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन जिमें कि मैं पहला ही समझा चुका हाँ, मेरे ब्रह्म जन्म ते ब्रह्म क्रियावां नू समझन नू अवतारा रहस्या जननम कहा जाता है। यह एक ज्ञान है। आत्मा शरीर तो वक्री है, यह एक होर ज्ञान है। हर हस्ती विच आत्मा है जिस विच परमात्मा वसदा है। इसका मतलब है कि सब कुछ ब्रह्मात्मकम है, यह एक होर ज्ञान है। ये तीन तरह के ज्ञान होने नाल लोग परमात्मा की पूजा वजों अपने कर्म करते हैं। इसका मतलब है कि वह अपने कार्यों नू यज्ञ विच बदल देंदे हन, जो उन्हां कार्यों कारण होने वाले बंधन नू रोकते हैं। इसलिए मैं तुहानू यज्ञ दीआं कुछ होर किस्मां बारे दसांगा जिन्हां नू द्रव्य यज्ञ कहा जाता है, जिसका मतलब है कि लोग कानूनी तरीके नाल दौलत कमाते हैं। वह अपनी दौलत देवत्यां दी पूजा करन ते लोड़वंदा दी सहायता करन लई खर्च करते हैं ते वह दान करते हैं। इस सब नू द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। कुछ लोग यह द्रव्य यज्ञ करते हैं। एक होर किस्म का यज्ञ है जिसनू तपो यज्ञ कहा जाता है। तपस का मतलब है चंगे विचार रखना। यह यकीन दिवाना कि मन विच केवल चंगे विचार ही बचते हैं, तपस वजों जानिया जाता है। दुनियावी सुखां दे अनुभव नू घटाउण नू भी तपस कहा जाता है। एकादशी ते होर त्योहारां ते वर्त रखण नू तप भी कहा जाता है। यह सब समूहिक तौर ते तपो यज्ञनाम वजों जानिया जाता है। कुछ लोग यह यज्ञ करते हैं। एक होर यज्ञ है जिसनू योग यज्ञ कहा जाता है। योगम का मतलब है प्राप्त करना, प्राप्त करन दी इच्छा रखना ते इसनू समझना कि की प्राप्त करना है। श्री रंगम ते त्रुमाला वर्गे ब्रह्म स्थाना दी यात्रा करना ते उत्थे निवास करना, गंगा ते कावेरी वर्गियां पवित्र नदियां विच डुबकी लगाउना, इन्हां सारी चीज़ां नू प्राप्त करन दी इच्छा नू योग यज्ञ कहा जाता है। एक होर यज्ञ है जिसनू स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। वेदां, वैदिक साहित्य, पुराण जां रामायण ते महाभारत वर्गे इतिहास सिखण नू स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। एक होर यज्ञ है जिसनू ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ज्ञानवान लोकां तो साडे ब्रह्म ग्रंथां दे डूंगे अर्थां नू समझना ते प्रवचना दा संचालन करदे समय दूजियां नू उही ज्ञान प्रदान करना ज्ञान यज्ञ वजों जानिया जाता है। अर्जुन, अजिहे लोक हन जो वख-वख यज्ञां नू करन ते पूरा ध्यान दिंदे हन। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा सानू वख-वख यज्ञां बारे सिखा रहे हन। श्री कृष्ण परमात्मा दीआं सिख्यावां नू ध्यान नाल सुनदे होए ते जो कुछ भी असी अभ्यास करन दे योग हाँ उस ते अमल करदे होए, आओ असी सारे श्री कृष्ण परमात्मा दे शब्दां नू दोहराईए। द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता का सारा सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 तो 70 विच 8 चीज़ां करन लई दिता गया है। श्री कृष्ण कहिंदे हन,
मैं उन्हां नूं प्यार करदा हां जो इन्हां 8 चीज़ां दा पालन करदे हन। मैं उन्हां श्रद्धालुआं दी हर तरह नाल रख्या करांगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई सारी भगवद गीता नूं सुनन तों बाद अर्जुन कहिंदा है, करिष्ये वचनम थवा, जिसका अर्थ है, कृष्णा मैं उही करांगा जो तुसी कहोगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन नूं हर तरह दियां सफलतावां अते जित्तां दित्तियां हन। आओ परमात्मा नूं अपना प्रण देईए कि असीं इन्हां 8 कारजां दा पालन करांगे। परमात्मा नूं इह शब्द देण तों वड्डा कोई पूजा, तप जां यग नहीं है। मैं कहांगा कि इह 8 संकल्प सानूं करने चाहिदे हन। तुसी सारे कृपा करके इन्हां नूं अपने दिमाग अते दिल विच सोचो। श्री कृष्ण नूं इस तरह अपना शब्द दिंदे होए आओ असी सारे श्री कृष्ण दे चेहरे नूं खुशी नाल चमकदे अते आनंद महसूस करदे होए दी कल्पना करिए। जय श्रीमन नारायण। साडे 8 वादे इस तरह हन। साडा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जिवें तुसी निर्देश दिता है मैं हमेशा तुहाडा ध्यान करांगा अते तुहाडे बारे सोचांगा। साडा दूजा वादा, हे श्रीमन नारायण, जिवें तुसी सलाह दिती सी मैं सदा तुहाडा भगत रहांगा। साडा तीजा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सारे काम तुहाडी सेवा अते तुहाडी संतुष्टी लई करांगा। साडा चौथा वायदा, हे श्रीमन नारायण, जिवें कि तुसी कहा सी मैनू पूरा विश्वास है कि मैं तुहाडा हाँ अते मैं हमेशा हथ जोड़ के तुहाडा नमस्कार करांगा अते तुहाडी भगती करांगा। साडा पंजवां वादा, हे श्रीमन नारायण, मैनू तुहाडे शब्द माम एकम शरणम व्रजा याद हन जो तुसी इकल्ले तुहाडे अगे समर्पण करन लई कहा सी। श्रीमन नारायण, मैं तुहाडे अगे ही समर्पण करदा हाँ। साडा छेवां वायदा, हे श्रीमन नारायण, मैनू तुहाडे शब्द मां सुचा याद हन कि तुसी सानू सोग ना करन दा भरोसा दे रहे हो, मैं हुण सोग नहीं करांगा। साडा सत्तवां वायदा, हे श्रीमन नारायण, तुसी साडे लई श्रीमद भगवत गीता दे के साडे सारिआं उत्ते किरपा कीती है अते आशीर्वाद दित्ता है। मैं हर रोज घट्टो घट 1 श्लोक पढ़न जां सुनन दा वादा करदा हां। साडा अठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, तुसी सारी मनुखता नूं गीता दित्ती, मैं गीता विच तुहाडे ब्रह्म शब्दां नूं उहनां भगतां तक फैलाउण दी कोशिश करांगा जो गीता तो अनजान हन। इस तरह असी परमात्मा नाल अपने 8 वायदे कीते हन। श्रीमन नारायण नूं हर रोज अपना शब्द देना कि असी उही करांगे जिवें उह कहिंदा है, अपने आप विच इक महान पूजा है। आओ आपां अपने अटुट विश्वास नाल उस नूं अपना वादा देईए। हे श्रीमन नारायण, मैं उही करांगा जिवें तुसी कहोगे, मैं तुहाडी इच्छा अनुसार व्यवहार करांगा अते मैं केवल तुहाडे लई काम करांगा। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण मैं तुहाडे निर्देशां अनुसार काम करांगा। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञाः तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। ॐ द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।
जय श्रीमन नारायणा। सारे श्रद्धालुओं नू एक विशेष बेनती, साडे जीवन दियां सारियां चीज़ां विच असी तुरंत अते प्रभावशाली नतीजे चाहुंदे हां। इस नू प्राप्त करन लई आओ रोज़ाना एक मिनट नारायण अस्त्रम पढ़न लई बिताइए। नारायण अस्त्रम नू प्राप्त करन लई नारायण अस्त्रम वैबसाइट ते जाओ, जो www.narayanastram.org है, अते रजिस्ट्रेशन विच अपना नाम अते ईमेल प्रदान करो। तुहानू तुहाडे वल्लों प्रदान कीते गई ईमेल उत्ते एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होवेगा। उस PDF विच एक रामायणा श्लोक, एक गीता श्लोक अते एक विष्णु नमम है। इन्हां तिन्हां नू मिला के नारायण अस्त्रम कहा जाता है। हर किसी नू इन्हां श्लोकां दा एक वखरा सुमेल प्राप्त होंदा है। जदों हर कोई 24,000 भगतां दे नाल रोज़ाना अपने नारायण अस्त्रम नू पढ़दा जा सुनदा है, तां संपूर्ण रामायणा परायणा दा एक दौर, श्रीमद भगवद गीता परायणा दे 33 दौर अते श्री विष्णु सहस्रनामा स्तोत्र परायणा दे 24 दौर हर रोज़ पूरे हो जांदे हन। यह एक अजिहा कमाल दा अते असाधारण नतीजा है जो हर रोज़ अजिहा करन तो निकलता है। इस लई तुसी अते तुहाडे परिवारक मैंबर तुरंत जाओ अते अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायणा।